हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सिविल गुरुजी। मैं हूं विजीश, कॉर्पोरेट ट्रेनर। इंजीनियर्स, आज हम लाइव है साइट से। जैसे आप देख पा रहे हैं, यहां पे काम चल रहा है एक्सकेवेशन का, और ये जो काम करवा रहे हैं हमारे अनुभवी साइट इंजीनियर्स, उनसे हम लाइव इंटरेक्ट करेंगे, बात करेंगे, समझेंगे कि कैसे वो काम कर रहे हैं, कैसे एक सिविल इंजीनियर को काम करना चाहिए, बात करेंगे उनसे। तो भाई, सबसे पहले हम बात करेंगे आपसे। सर, आपका नाम? धर्मेंद्र चौरसिया। धर्मेंद्र सर नाम है इनका। तो धर्मेंद्र सर, थोड़ा मैं आपके बारे में जानना चाहूँगा, आपकी जर्नी कैसी रही अभी तक, यहाँ तक आप कैसे पहुँचे? स्टार्टिंग में तो बहुत ही कठिन थी, लेकिन मेहनत करते करते और आगे बढ़ते गए। हाँ, अभी भी धीरे धीरे और करते जाएंगे, मेहनत करते जाएंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जितना आप मेहनत करेंगे उतना आगे बढ़ते जाएंगे। और पहले आप किसी भी काम को करने से केवल सोचेंगे तो नहीं होगा, आपको पूरा एफर्ट देना होगा। आप उस चीज़ में लगेंगे, उसको करेंगे, तो ही काम वो आपका आगे बढ़ेगा। बहुत बढ़िया सर, मैं थोड़ा सा और जानना चाहूँगा कि आप यहाँ पे अभी एज अ साइट इंजीनियर अपॉइंट हुए? जी, साइट इंजीनियर। तो साइट इंजीनियर का जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, मैं चाहूँगा कि आप हमारे जो सिविल इंजीनियर्स है, जो फ्रेशर सिविल इंजीनियर्स है, जो कॉलेज में अभी बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको आप थोड़ा सा प्रेरित करें कि एज अ सिविल इंजीनियर क्या क्या वो चैलेंज है, और एक साइट इंजीनियर जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता है वो क्या है। उनको ज़्यादा तक फोकस ये करना चाहिए कि जो उनका प्रैक्टिकल होता है, जो भी मान लीजिए उनको ऑटो लेवल हो गया, या जो भी साइट पे ले जाके जहाँ पे काम करवाया जाता है, या जो कुछ भी दिखाया जाता है, उसको ध्यान से देखें और करें उस चीज़ को, और अपने से सीखने की कोशिश करें, ना कि डायरेक्ट किसी पे 100% आप डिपेंड रहे कि वो हमको सिखाएंगे तो पूरा हम सीखेंगे। आप अपने से छोटे से भी सीख सकते हैं। अगर किसी साइट पे आप जा रहे हैं तो वहाँ पे बारबेंडर हुआ, फिर आपका मेसन हुआ, कोई भी टीम हुआ, तो उसके पास जाइए, उससे पूछिए उसके बारे में। आप अगर शर्माएंगे कि हम यार इंजीनियर हैं, हम उनसे जाके पूछेंगे, तो आप हमेशा शर्माते रह जाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर आप उसको सीखना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उनसे जाइए, उनके पास जाइए, पूछिए, उस चीज़ को देखिए कैसे हो रहा है, सीखिए उसको। जी बिल्कुल। तो मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि एक सिविल इंजीनियर के लाइफ में जो प्रैक्टिकल नॉलेज होता है वो कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है? वो तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सर। बिना प्रैक्टिकल के आप समझिए कि 50% है, लेकिन आपको प्रैक्टिकल जानना एकदम 100% जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है। तो सर, मैं थोड़ा सा और जानना चाहूँगा कि यहाँ पे एग्जैक्टली अभी जो काम हो रहा है वो क्या काम हो रहा है? यहाँ पे एक होटल बनेगा। थोड़ा सा व्यूअर्स को दिखाना चाहूंगा यहाँ पे। देखिए, अभी एक्सकेवेशन चल रहा है। हाँ। एक दो दिन में कंप्लीट हो जाएगा, फिर इसके बाद हम ओके। ये ऑटो लेवल जो यहाँ पे रखा हुआ है, ये ऑटो लेवल का यहाँ पे एक छोटा सा यूज बता दीजिए कि अभी फिलहाल ऑटो लेवल से हम क्या काम कर रहे हैं। अभी हम सर ऑटो लेवल से इसका जितना एक्सकेवेशन कर रहे हैं उसका डेप्थ देख रहे हैं कि एक्यूरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हाँ, कुछ भी आप कहीं से भी एक पॉइंट को रेफरेंस मांग के फिर उससे पूरा जो जितना भी एक्सकेवेशन हो रहा है उसको आप चेक करेंगे कितना लेवल में है, नहीं है। अगर अप हो रहा है या डाउन हो रहा है तो फिर उसको कटिंग करके और अगर डाउन हो रहा है तो फिलिंग करके उसको बराबर कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। और मैं हमारे एक दूसरे सर और मौजूद हैं यहाँ पे, आप भी यहाँ पे एज अ साइट इंजीनियर अपॉइंटेड है सर? जी सर, बिल्कुल। आपका नाम? सुरेश मंडल। सुरेश सर, तो मैं आपसे थोड़ा सा और जानना चाहूँगा इसके बारे में कि आप अपना अपने एक्सपीरियंस के बारे में थोड़ा सा बताइए कि आप यहाँ तक कैसे पहुँचे। सर, वही कॉलेज कंप्लीट किया, उसके बाद जी मतलब जॉब का कमी था तो ट्रेनिंग करने चला गया। ओके। फिर वहाँ से एक दोस्त था तो उनका जो भाई था वो प्रोजेक्ट मैनेजर था जी, फिर उनसे बात किया जी कि अगर कोई काम दाम होगा तो बोलिएगा, फिर वो हम मेरे को अपॉइंट किया यहाँ। जी, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट ये है कि डायरेक्ट जॉब नहीं मिली, कॉलेज से निकलने के बाद आपने मेहनत किया, कहीं बोला था कि जॉब दे देगा बट दिया नहीं, नहीं बस ना। तो ये तो एक रियलिटी है कि कहीं ना कहीं आपको मेहनत तो खुद ही करनी पड़ेगी, है ना। तो आप कहीं एक प्रोजेक्ट इंजीनियर के अंडर रहे और आप काम को आपने सीखा पहले तो मैं एक सुपरवाइजर था। अच्छा, सुपरवाइजर होते होते फिर काम देखते देखते फिर अब मेरे अंदर ये मतलब जो सीखने का चाहत था उसी से ही मैं अभी आगे बढ़ पाया। जी जी, बहुत बढ़िया। तो बिल्कुल, मैं और थोड़ा सा आपके बारे में जानना चाहूँगा कि आप हमारे सिविल इंजीनियर को अपने जो अनुभव है उसके बारे में बताते हुए उनको थोड़ा प्रेरित करें कि उनके लिए क्या ज़रूरी है और कैसे उनको सीखना चाहिए। उनके लिए तो ये ज़रूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके उतना सीखे साइट पर। जी जी बिल्कुल, जाके हर चीज़ को देखे, हर चीज़ को समझे कैसे हो रहा है नहीं हो रहा है, उसके बाद ही जाके वो उसके अंदर मतलब उसके दिमाग में जाएगा। जी नहीं तो नहीं, कुछ नहीं होगा। ठीक। तो
मैं जैसे आप सब जो इंजीनियर्स हैं, आपने सिविल गुरुजी के बारे में सुना ही होगा, बिल्कुल है ना। तो जैसे ये भिलाई लोकेशन है इंजीनियर्स, मैं आपको बताना चाहूँगा, सिविल गुरुजी भिलाई जस्ट नेक्स्ट यहाँ से 2 किलोमीटर दूर में नेहरू नगर पड़ता है, वहाँ पे सिविल गुरुजी भिलाई का सेंटर है, तो आप वहाँ से ट्रेनिंग कर सकते हैं। तो जैसे आपने सिविल गुरुजी के बारे में सुना ही होगा, तो थोड़ा सा मैं आपसे जानना चाहूँगा रिव्यूज़ कि आपने कैसे सिविल गुरुजी को समझा है, सुना है। जी मैं ऐसे ही देख रहा था तो YouTube पे और Facebook पे आता है जी, तो वहाँ से देखा तो आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जो मतलब जो लोग कॉलेज में थोड़ा टाइम पास करते हैं चाहे जो भी ध्यान नहीं देते हैं, तो अगर इस इंस्टीट्यूट से जुड़ जाएंगे, जुड़ के अपना ये लोग आपको प्रैक्टिकल का नॉलेज भी देते हैं, साइट पे विजिट भी कराते हैं, तो उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। मतलब ये कहना चाहूँगा कि मतलब इनका जो वर्ड्स है उनको और थोड़ा सा बढ़ाते हुए ये कहना चाहूँगा कि अगर आप कॉलेज में है और कॉलेज की जो थ्योरीटिकल नॉलेज है वो तो आपको बहुत अच्छे से आ गया है, लेकिन आप चाहते हैं कि जो एक रियल एक्सपीरियंस, जो ये सर का एक्सपीरियंस है, जो इन सर का एक्सपीरियंस है, जो ये साइट में महसूस कर रहे हैं, वो अगर आप एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो सिविल गुरुजी आपके लिए बेस्ट होगा। बिल्कुल सही सर, एकदम सही। ठीक है, आप भी, मैं चाहूँगा कि आप भी कुछ बोलिए हमारे बारे में सिविल गुरुजी। सर सिविल गुरुजी की जितना कम मतलब जितना मतलब वो करे कम है वो, अरे कम है वो, जितना मतलब वीडियो देखा है जी, कोई ना कोई जो भी मतलब गलती होता है उसको कैसे सॉल्व किया जाता है वो चीज़ वो लोग बताते हैं, ये सबसे बढ़िया लगा मेरे जी। तो यहाँ पे सुन के बहुत अच्छा लगता है कि हमारे जो है, जो एक्सपीरियंस हो भी चुके हैं, इतना साल काम कर भी चुके हैं, वो भी हमसे कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। तो यही बस मैं आपसे कहना चाहूँगा और ये सर का भी कहना है कि आपको सीखना ज़रूरी है, और सीखने के लिए जी सर आप कुछ कह रहे थे, हम भी सिविल गुरुजी से बहुत कुछ सीखे जी। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे सर भी कह रहे हैं कि ये इन्होंने भी हमसे बहुत सारी चीज़ें सीखी है। तो आप सभी सिविल इंजीनियर्स का मेरे लिए यही रहेगा सजेशन कि आपको सीखना ज़रूरी है, क्योंकि लाइफ में ना बदलाव करना ज़रूरी है। अगर आप लाइफ में बदलाव कर पा रहे हैं, सीख रहे हैं, तो मतलब आप सही चल रहे हैं। तो सीखने के लिए आपको चाहिए प्लेटफॉर्म, तो प्लेटफॉर्म क्या है ना, एग्जैक्टली आपको ढूंढना पड़ता है, सर्च करना पड़ता है कि कौन है ऐसा मुझे सिखाने वाला। तो सिखाने वाला है सिविल गुरुजी, एकमात्र ऐसा इंस्टीट्यूट जो सिविल इंजीनियर्स को उसके मुकाम तक पहुंचाता है। सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग की बात करें या बात करें साइट एग्जीक्यूशन की, हर एक पार्ट में, हर एक चीज़ में सिविल गुरुजी आपको तैयार है सिखाने के लिए। तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। सिंपली आपको क्या करना होगा, आपको कॉल करना है 9522181234 पे आपको कॉल करना है, मुझसे बात करें, फ्री में काउंसलिंग है भाई, कुछ नहीं लगता, कॉल करें, सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर करूंगा कि इंजीनियर को लाइफ में आगे कैसे बढ़ना चाहिए, क्या चैलेंजेस आता है एज ए साइट इंजीनियर। साइट में जब आप रहते हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए, कैसे हम आगे बढ़ते हैं, क्या डेजिग्नेशंस होती है, उसको क्रॉस कैसे किया जाता है, आप सीखेंगे हर एक बारीकियां। आप सीखते हैं पूरा एस्टीमेशन, बार बेंडिंग शेड्यूल, क्वांटिटी सर्वे, रेट एनालिसिस, सर्विंग का पूरा काम, उसी के साथ ऑटोकैड सीखते हैं, ऑटोकैड के साथ सीखते हैं पूरा प्लानिंग डिज़ाइनिंग का पार्ट, मतलब आर्किटेक्चुरल कंसल्टेंसी प्रोसेस ओपन करने तक का लेवल का आप ऑटोकैड, रेविट और फोटोशॉप की मदद से सारी चीज़ कंप्लीट करते हैं। तो इंजीनियर्स, फर्स्ट फैप्स बैच स्टार्ट हो रही है सिविल गुरुजी भिलाई में, आप ज्वाइन कर सकते हो, जुड़ सकते हो हमसे, आपको सिंपली कॉल करना होगा 9522181234 पे। तो मिल जाए इंजीनियर्स अपने नेक्स्ट वीडियो में उसी जोश और जुनून के साथ, फिर से हमारे जो नए जो इंजीनियर्स हैं उनके एक्सपीरियंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।